स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी स्टडी अबाउट द फोर पॉइंट ऑफ द नीड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. इट एलोकेट्स रिसोर्स टू ईच टास्क. ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम कोई वर्क करते हैं कंप्यूटर पे, तो उसके लिए जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, नीड होती है, तो कंप्यूटर में जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट कर देता है. एलोकेट यानी कि दिखाता है कि वो कहाँ पर है, और हम उन पे आसानी से अपना टास्क या वर्क कंप्लीट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए हम कीबोर्ड से कोई टाइपिंग कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कीबोर्ड की कीज़ को या उसके फंक्शंस को, या हमें कोई एप्लीकेशन ओपन करके हमने रखी है तो उस मेनूज़ में जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको भी दिखाता है, जैसे कि फाइल में ओपन है, सेव है, ये सारे फंक्शंस और रिसोर्सेज कौन एलोकेट करता है, दिखाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही दिखाता है, जिससे कि हम सारे कार्यों को, ईच टास्क, प्रत्येक कार्य को अच्छी तरह से कर पाएँ. फिफ्थ पॉइंट है, इट इनेबल्स कंप्यूटर टू एक्सेस नेटवर्क. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को इंटरनेट के लिए भी एक्सेस करवाता है, यानी कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही इन कंप्यूटर पर नेटवर्किंग या इंटरनेट चला सकते हैं. सिक्स पॉइंट है, इट इनेबल्स यूजर्स टू एक्सेस एंड यूज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है, ये यूज़र्स को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने में भी हेल्प करता है, यानी कि जो भी यूज़र है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, हमारे जो भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे मान लीजिए MS Word है, Excel है, दीज आर द एप्लीकेशन, तो इन एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए भी, अब एप्लीकेशन को एक्सेस कैसे करेगा यूज़र, जब वो उसे ओपन करेगा, तो ओपन करने में या उस पर वर्क करने में ऑपरेटिंग सिस्टम ही इनेबल कराता है. किसको? यूज़र को. यूज़र यानी कि जो कंप्यूटर को चलाता है. सो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा.